सो है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिएटर्स हैं हम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डीएससी डिप्लोमा में फुल टाइम का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस फुल टाइम के रिजल्ट में आपको उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद आपके जो कॉलम में आपको एक अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड होगा। जिसको सीट अलॉट हुई है उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई उसको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, जिसको नहीं मिलेगा उसके लिए तो सेकंड राउंड खुल चुका है, उसको सेकंड राउंड में मिलेगा। जिसको मिल गया है उसको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही रहा होगा, एडमिशन मिल रहा है आपको। अगर आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आई होप, मतलब मुझे पता है कि आप उसको फ्रीज़ ही करोगे, ठीक है। बट अगर वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, अगर आप कुछ और मिल गया है जो आप नहीं चाहते थे, तो आपको उसको फ्लोट करना पड़ेगा। तो फ्रीज़ कैसे करोगे आप, आपको जो सीट मिली है आप उसकी जो है फ़ी पेमेंट कर दो। फ़ी पेमेंट कितनी है उसकी, 7800 समथिंग कुछ है उसकी फ़ीस, वो आप उसकी पेमेंट कर दो। उसके ऊपर टैक्स लग करके आपका 8032 रुपये बनता है टोटल, ठीक है। उसकी फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, उसकी फ़ी पेमेंट करने के बाद आपके पास फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा। आप उस फ्रीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अगर जो आपको सीट मिली है उसको फिक्स करने के लिए, उसको फ्रीज़ करने के लिए कि आपको उस सीट पर एडमिशन लेना है, उसके लिए आप उसको फ्रीज़ कर दो। बट अगर आपको सीट पर एडमिशन नहीं लेना, आपको सीट नहीं पसंद, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी फ्रीज़ के ऑप्शन क्लिक मत करो, उस पर क्लिक मत करो। अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगी, ऑटो अपग्रेड हो जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए, और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे। आई होप मैं जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे, और फिर अगर आपको नेक्स्ट राउंड में सीट मिलती है और आपकी वो सीट जो आपको चाह रहे थे वो मिल गई, तो आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए। आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जिसने फ्लोट किया है, नेक्स्ट राउंड में सीट मिल गया, जिसको इसी राउंड में फ्रीज़ करने के बाद, मतलब सीट मिल चुका है आप, उसने फ्रीज़ कर दिया, फ्रीज़ करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है, वो अपने आप ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हुए हैं। तो आपके जो कॉलम में वहाँ पे एडमिशन का जो उसमें आता है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पे वेरीफाइड एंड पेड लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, आपकी फ़ी पेमेंट हो चुकी है, तो पेड लिखा हुआ आएगा। तब आपका पूरा काम समझ लो हो चुका है। बस थोड़ा सा रहता है जब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए बुलाएंगे। रिपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पे, उसको उसके बाद कॉलेज का रोल आता है यहाँ पे, कि कॉलेज किस हिसाब से अपना सब कुछ बिठाते हैं, कैसे उनकी फ़ीस पेमेंट का क्राइटेरिया रहता है, जिस हिसाब से वो आपको बुलाते हैं, जिस हिसाब से वो पार्ट पेमेंट लेते हैं, एक ही बार में सारी पेमेंट लेते हैं, आपको पेमेंट करनी है अपनी फ़ीस की। और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। बट फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं मुझे, और आप मेरे को टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हैं वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब में कमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना बेझिझक, हो क्योंकि आपको जवाब मिल रहा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।